डॉक्टर अंबेडकर के दुश्मन भाग 8। ये जितने भी नेता हैं और नेता बने घूमते हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, इनको ऑर्गेनाइजेशन का ओ भी नहीं आता, संगठन का से भी नहीं आता। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे सिर्फ उनका फोटो इन्होंने देखा है, बाकी वो क्या कह के गए, क्या लिख गए, उससे इनका दूर दूर तक भी नाता नहीं है। ये बहुत ज्यादा असंगठित लोग हैं, संगठित होने में बड़ा डर लगता है इनको। नेता बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, मंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, पार्लियामेंट पे कब्जा करने की, जो बार बार हमें बताते हैं कि देखो बाबा साहब ने उंगली पार्लियामेंट की तरफ की हुई है, दरअसल इनको इतनी जल्दी है पार्लियामेंट में जाने की और नेता बनने की और मंत्री बनने की कि ये अपनी समझ से ये भी भूल गए हैं कि ये इस काबिल है ही नहीं कि ये वहां जाके कुछ बन सके। दरअसल नेता वो होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी हो, लोगों को संगठित करने की क्षमता हो, और यहां तो जितने नेता हैं वो टूटने में बड़े एक्सपर्ट हैं। एक संगठन के दो, दो के चार, चार के छह, छह के आठ, टूटना जानते हैं सब। कोई नेता ऐसा नहीं है जो आठ संगठन के चार करता हो और चार संगठन के दो करता हो और दो के एक करता हो, किसी नेता के अंदर ये गुण नहीं है। बाबा साहब की किताबें पढ़ के दुनिया भर का ड्रामा उनसे सीख लो और देख लो आप, मगर बाबा साहब का वो जो एक दो अक्षर का लाइन का जो मंत्र है वो उन्हें समझ में नहीं आता। संगठित रहो, ऑर्गेनाइज, वो उसे दूर दूर का नाता नहीं, उसे सीखना नहीं चाहते, उससे डर लगता है, मगर उसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। कहते हैं बाबा साहब ने कहा है बी ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित करो, संगठित रहो। इस पर बड़ी चर्चाएं करती है, कोई व्यक्ति कहता है बाबा साहब ने कहा संगठित हो, किसी ने कहा संगठित करो, कोई आके कहता है कि बाबा साहब ने दोनों बात की। अरे खाली संगठन ही समझ लो, बाबा साहब का इशारा है कि संगठित होना है, और उसको कह के हमको कहते हैं कि संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ। अरे भाई हम तो संगठित हैं, पर तुम कब संगठित हो गए? तुम्हें नहीं कहा बाबा साहब ने कि संगठित हो जाओ? तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमको डर लगता है कि संगठित होने से कहीं तुम्हारी सीट ना निकल जाए, तुम्हारा कुछ छूट ना जाए, कहीं तुम प्रधानी तुम्हारी चली ना जाए, कहीं प्रधानमंत्री का पद तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं तुम मुख्यमंत्री की लड़ाई में पीछे ना रह जाओ। संगठित हो जाओगे तो कोई और काबिल नेता ऐसा ना हो कि आके तुम्हारी जगह वो ले ले। इस डर से क्या, यह समझ ही नहीं है। दरअसल समझ नहीं है क्योंकि नेता बन गए हैं मगर नेता का गुण नहीं जानते। नेता वह होता है जो सबको साथ ले और सबके साथ चले, नेता वो नहीं होता जो आगे आगे चले और पीछे देखे ही ना कि पीछे कुछ है भी या नहीं भी है, खाली हवा में ही उड़ता रहे, उसको नेता नहीं कहते, उसको मौका परस्त कहते हैं, उसको बेवकूफ कहते हैं जो पीछे मुड़कर नहीं देखता और अपनी स्थिति को और अपनी औकात को नहीं पहचानता कि उसे होना क्या है, उसे मिलना क्या है, तो करना क्या है। इन सारे लोगों से जो आपको यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, उनसे पूछो कि बाबा साहब जो लेके आए थे, जो अधिकार मिले थे, वो चले कैसे गए, तुम्हारे होते हुए चले कैसे गए। उनसे पूछो कि तुम्हारा एक भी फोटो क्यों नहीं आता पूरे समाज में कि जब तुम सारे बैठ के कहीं चाय नाश्ता कर रहे हो, समाज में ये आवाज क्यों नहीं आती कि सारे नेता इकट्ठे होकर संवाद भी करते हैं, बात भी करते हैं। ऐसी कौन सी जायदाद बटी हुई है तुम्हारी आपस में जिससे तुम्हें डर लगता है कि आपस में अगर बैठेंगे तो जायदाद तुम्हारी चली जाएगी? तुमको शर्म नहीं आती कि तुम बाबा साहब के सिद्धांत पे, ऑर्गेनाइज पे खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, खुद को इकट्ठा नहीं कर पाते, एक समाज में एक आवाज भी नहीं आ पाती कि ये कभी भूल से भी किसी शादी पे, किसी सगाई पे, किसी फेस्टिवल पे, किसी त्योहार पे, या कभी बुद्ध पूर्णिमा पे, या 14 अप्रैल पे भी, कम से कम 14 अप्रैल पे तो इकट्ठे हो जाओ, और 14 अप्रैल पे भी नहीं इकट्ठे होते तो 6 दिसंबर पे तो कम से कम इकट्ठे हो जाओ, किसी मंच पे दिखाई तो कि आज सारे के सारे नेता एक साथ इकट्ठे हो गए, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, उसे भी अलग अलग मनाते हो। यानी बाबा साहब का 6 दिसंबर भी शर्म करने वाली बात है कि सारे नेताओं का पूरी दुनिया में मैसेज नहीं है कि ये इकट्ठे हैं।
उनकी डेथ पे, उनकी मौत पे भी तुम्हें शर्म नहीं आती? वहां भी तुम अलग अलग खेलते हो, अलग अलग काम करते हो, क्या मैसेज दोगे समाज को? कार्यकर्ताओं को यह सोचना चाहिए, यह समझना चाहिए कि उनका जो नेता है वो आपस में मिलता नहीं है तो संगठित होगा कैसे? और जब संगठित नहीं होगा तो 14-15% का जो पावर है, जो ताकत है, जो संगठन है वो बनेगा कैसे? और जब 14-15% का संगठन नहीं बनेगा तो वो एसटी में कैसे जाएगा? और 7% एसटी से कैसे कहेगा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम और तुम एक ही नाव के खिवैया हैं? और कैसे कहेगा बाकी लोगों को, जिनको बहुजन बहुजन के नाम से कहता है कि अब हम इकट्ठे हैं तो तुम आ जाओ, क्योंकि तुम तो इकट्ठे हो नहीं। तो बहुजन बहुजन कहने का जो नारा है वो तो खोखला है। यानी माननीयवर साहब काशीराम जी का जो बहुजन का सिद्धांत था उसको भी खत्म कर दिया। ये तो अभी की बात है, कितने दिन हुए हैं अभी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के जो दुश्मन हैं और माननीयवर साहब काशीराम जी के जो दुश्मन हैं वो वही लोग हैं जो उनका नाम लेके पूरे दिन रात रटते रहते हैं और अपनी दुकान, अपने खोके और अपना कोना और अपना खोका चलाते रहते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं सारे के सारे इकट्ठे हो गए तो उनका क्या हश्र होगा। अरे तुम अपना हश्र का सोच रहे हो और जिनके दम पे तुम ये नेता बने घूम रहे हो उनके हश्र के बारे में सोचो कि उनके सारे अधिकार चले गए, उनकी नौकरियां चली गई, उन्हें आने वाले समय में एजुकेशन नहीं मिलने वाली है, एजुकेशन महंगी हो गई, स्कॉलरशिप मिल नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल नहीं रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तुम कहां सो रहे हो? तुम्हारी आंखों के सामने क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को कि तुमने नेतागिरी करी और तुम्हारे सामने तुम्हारे अधिकार चले गए? इसको सोचना दिन रात बैठ के। धन्यवाद। Thank you.